बाबा लोगों का सम्मान समारोह था पत्रकार बंधु के, ये लोग बाबा लोग जुट करके ही पत्रकार बंधु को बहुत सम्मानित किए। और खाने का भेड़ यहाँ पर उपस्थित हो चुका है और जब तक घाटी में पीढ़ी एक दिन में कोई व्यवस्था नहीं बदलती है, व्यवस्था बदलने के लिए पीढ़ियाँ लग जाती है और पीढ़ी लगभग 12 वर्ष का माना जाता है, अभी 8 वर्ष हुए हैं, अभी पीढ़ी मानसिकता बदलने में कई पीढ़ियाँ लग जाती है, तो धीरे धीरे व्यवस्था। गोल लगातार समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी, खबर के हेडलाइन सुनी, गंगा सफाई के साथे पत्रकार सम्मान समारोह के भइल आयोजन। जी हाँ, गंगा के तट पे कल कल बहत गंगा के बीच पत्रकार लोग के सम्मान समारोह के आयोजन कइल गइल रहे। जिला भर के तमाम पत्रकार यह सम्मान समारोह में शामिल भइलन। मौका रहे पंडा समाज के द्वारा आयोजित कैल है पत्रकार सम्मान समारोह के, यह मौका पे बोलत पंडा समाज के लाला बाबा कहनी कि जौना तरीका से पंडा समाज के आवाज़ मुख्य पटल पर राखल गई, जरा चलते जिला प्रशासन के भी सोचे के मजबूर होके के पड़ल। साथे साथ यहाँ के कहनी कि पत्रकार आईना होलन, आईना देखावेलन, जेकर परिणाम रहल कि पंडा समाज के जीत भइल। यह परिपेक्ष में पंडा समाज के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह के आयोजन कइल गइल रहे, जहाँ पे तमाम पत्रकार लोग के सम्मानित कइल गइल। एकरा अलावे गंगा सफाई अभियान के अग्रज सौरभ तिवारी के नेतृत्व में गंगा माई के सफाई अभियान अनवरत जारी रहल। यह मौका पे सौरभ तिवारी कहनी कि एकरा खातिर हमनी के अलख जगा रहल बानी जा, लोग के समझा रहल बानी जा कि गंगा माई राउरे माई ना सबके माता है, एकरा के साफ सफाई करे में सहयोग करी, एकर हर व्यक्ति के सहयोग करे के पड़ी, तब जाके गंगा माँ के असली स्वरूप हर भारतवासी के देखे के मिली। रउरा सबके बता दी कि विश्वामित्र के तपोस्थली, श्री राम के शिक्षा स्थली, बक्सर के माई गंगा के तट पे ई कार्यक्रम आयोजित कैल गेल रहे, जहाँ पे जिला भर के तमाम पत्रकार एकजुट भइल रहन। भोजपुरिया समाचार लाइव देखाई, बयान सुनाई, शेयर जरूर करब। जय माँ गंगे। इसमें कहाँ तक आपको सफलता प्राप्त हुई है? देखिए ये जो हमारा अभियान है, ये अभियान संदेश देने का है। ये अभियान हम किसी योजना के तहत नहीं चला रहे, किसी व्यवस्था के तहत नहीं चला रहे, हमारा यह अभियान संदेश देने का अभियान है। जो संदेश हम दे रहे हैं लोगों के बीच कि माँ गंगा को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, माँ गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, माँ गंगा केवल मोक्षदायिनी नदी नहीं है, माँ गंगा अर्थदायिनी भी है, माँ गंगा जीवनदायिनी भी है, माँ गंगा लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, माँ गंगा पूजन के स्थान बनने के कारण बहुत से लोगों के भोजन का कारण, बहुत से मछुआरों के भोजन का कारण, यहाँ के दुकानदारों के जीवन यापन का कारण, यहाँ के पंडा पुजारियों के जीवन यापन का कारण माँ गंगा है। तो माँ गंगा में जिस दिन कचरा बढ़ जाएगा, माँ गंगा समाप्त हो जाएंगी, उस दिन इन सारे लोगों का अर्थ भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए माँ गंगा की रक्षा केवल मोक्ष के लिए ही नहीं, माँ गंगा की रक्षा अर्थ के लिए भी करना है। माँ गंगा की रक्षा भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए नहीं, गंगा की रक्षा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी करना है। कहाँ तक आप इसमें अब तक सफल हो पाए हैं? देखिए हमारा अभियान रामरेखा घाट, चूंकि सबसे बड़ा घाट है, विश्व प्रसिद्ध घाट है, बक्सर में 17 घाट है, सिपाही घाट से फुलिया घाट तक ऐसे 17 घाट है जहाँ लोग स्नान करते हैं, लेकिन हम हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। हमने हमारे साथ जुड़े ऐसे लोग युवा, उन लोगों से बात हुई, चौसा में भी घाट है, चौसा में भी सफाई अभियान चलता है। कुछ हमारे साथ के लड़के और कुछ हमसे प्रेरणा लेके भी लोगों ने चलाया, गांधी घाट पटना में बक्सर के ही कुछ पढ़ने वाले लड़कों ने चलाया, उसके बाद सिद्धनाथ घाट, सती घाट पे वहाँ व्यवसायियों ने चलाया रविराज जी के नेतृत्व में, कई लोग जगह जगह अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ने अपने छात्रों के साथ रविवार को सिद्धनाथ घाट पे चलाया। तो कई जगहों पे ऐसी स्थितियां हैं कि वहाँ साल भर में विभिन्न घाटों पे जितनी भीड़ जुटती है, वहाँ एक दिन में यहाँ सबसे अधिक भीड़ जुटती है।
रामरेखा घाट पे साल भर में 25 लाख का आंकड़ा है, 25 लाख लोग, अगर साल भर का आंकड़ा निकाला जाए, 15 बड़े त्योहार हैं जिस दिन लाखों लोग स्नान करते हैं नेपाल से लेके और आपके सुदूर उत्तर प्रदेश तक के लोग भी आके यहाँ स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। तो ऐसे में रामरेखा घाट पर व्यवस्थित व्यवस्था की जरूरत है और रामरेखा घाट की उस व्यवस्था के साथ हम लोगों ने अपने 3 घंटे का श्रमदान निश्चित किया है कि हर रविवार, आज तो नगर पालिका भी कुछ सफाई कर ले रही है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य माँ गंगा के आंचल से प्लास्टिक निकालना है, माँ गंगा के आंचल से आस्था का कचरा निकालना है और हम वही कर रहे हैं और लोगों को वही संदेश भी दे रहे हैं। और एक दिन में कोई व्यवस्था नहीं बदलती है, व्यवस्था बदलने के लिए पीढ़ियां लग जाती है और पीढ़ी लगभग 12 वर्ष का माना जाता है, अभी 8 वर्ष हुए हैं, अभी पीढ़ी मानसिकता बदलने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। तो धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन होगा, धीरे धीरे सुधार होगा और माँ गंगा की रक्षा, जो अविरल गंगा स्वच्छ किनारा निर्मल धारा संकल्प हमारा, उस संकल्प लेकर हम चल रहे हैं, निर्मल धारा बनाने लेकर चल रहे हैं और हम जैसे लोगों का कारवा जुटता जाएगा, धीरे धीरे लोग जागृत होंगे और माँ गंगा निर्मल होंगी, स्वच्छ होंगी, धारा अविरल होगा। परिचय सौरभ तिवारी, जिला संयोजक गंगा विचार मंच बक्सर। आज एक समान समारोह का आपने आयोजन किया था पत्रकारों बंधुओं को, तथा साथ ही साथ है, देखिए पत्रकार बंधु को मान सम्मान करना चाहिए तभी देश बचेगा। कहीं भी पत्रकार बंधु किसी भी खबर को सच ही ये लोग जा कर के पब्लिक में अच्छा संदेश देते हैं, झूठे को नहीं ये लोग देते हैं, सच के। आज का जो बाबा लोगों का सम्मान समारोह था पत्रकार बंधु के, ये लोग बाबा लोग जुट करके ही पत्रकार बंधु को बहुत सम्मानित किए और जो बाबा लोग का धरना प्रदर्शन था वो सच था, प्रकाशित है, खुशी के मारे बाबा लोग पत्रकार बंधु को सम्मानित किए हैं, करेंगे। धरना प्रदर्शन हटने के बाद ये किए गए, हमारा नाम लाला बाबा। जब तक घाटी में रही सारदा छत्र रक्त जगा।